नमस्कार साथियों, चली जाने दे आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते ही उससे पहले अभी वीडियोस को लाइक कर दे, जाली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बलात्कारी को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सिपाही परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सपा। मुफज्जरपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा। बिहार के मुफज्जरपुर में तेज रफ्तार बस का घर देखने को मिला। एक अनियंत्रित बस ने बाइक सवार छात्र को रौंद दिया है। हादसे में घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला बेरिया पुरानी मोहताहारी रोड का बताया जा रहा है। सचिन वाजे को आगे कर बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, अनिल देशमुख का कहना। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिन वाजे जैसे आरोपी को आगे करके बीजेपी की टोली उनके ऊपर आरोप लगा रही है। सचिन वाजे को मुंबई हाई कोर्ट भी कह चुका है कि उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डीएनए टेस्ट गलत निकला तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो, अखिलेश यादव का कहना। अयोध्या गैंगरेप मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भी दोषी हो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। झारखंड में भारी बारिश के बाद कान्हा दामोदर नदी उफान पर। झारखंड में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कान्हा दामोदर नदी जल स्तर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके कारण जगलबलपुर इलाके के रहने वाले लोगों की काफ़ी समस्या सामना करना पड़ रहा है। पातिहाल से जगदलबलपुर ग्रामीण अस्पताल जाने का एकमात्र रास्ता है जो कि कान्हा दामोदर नदी के ऊपर से आता है। उस रास्ते पर पानी बढ़ जाने से के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गई है। पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी ने कोर्ट में दामाद को मारी गोली। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी ने अपने आईआरएस अफसर दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। हरप्रीत सिंह का पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था। उद्धव जी फ्रस्ट्रेशन में है, दिमागी संतुलन खो गया है। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हमला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव जी का दिमागी संतुलन खो गया है और वे फ्रस्ट्रेशन में है। इसे फ्रस्ट्रेशन में वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे लगता है उस पर क्या उत्तर दूँ। मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए। संसद सुरक्षा चक्र मामला पटियाला हाउस कोर्ट ने लिया चार्जशीट पर संज्ञान। संसद सुरक्षा चक्र मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा भंग मामले में छह आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस ने मई महीने में आरोप पत्र दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी दाखिल कर दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर तक तय की। सपा नेता पर गैंगरेप के आरोप। अवधेश प्रसाद बोले अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अयोध्या गैंगरेप केस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, मेरी 45 साल की राजनीति है, अपराध से रिश्ते वाले को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। डीएनए टेस्ट किया जाए, लड़के सेल्फी लेते हैं, 500 लोग रोज मेरे साथ सेल्फी लेने आते हैं, 31 को मेरा बर्थडे था, तमाम लोग भूखे लेकर आए। समाजवादी पार्टी तो अन्याय के खिलाफ लड़ती है, बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। बेटी बेटी होती है चाहे वो किसी की भी हो। मुंबई में शरद पवार ने मराठा आरक्षण पर सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मुंबई में एनएसपी एसएसपी प्रमुख शरद पवार ने मराठा आरक्षण और अन्य मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से वर्षा बंगले में मुलाकात की। बीजेपी ने जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वे आज उनकी पार्टी में है, सुप्रिया सुले का कहना। ईडी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर एनसीबी एसएसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि डेटा अपने आप में दिखा दे रहा है। भाजपा ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं अब वे भाजपा में है।
भाजपा एक बार बता दीजिए वे भ्रष्ट या है नहीं। महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जो आज उनके साथ सरकार में है उन पर भाजपा ने पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वायनाड भूस्खलन सीएम पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए किए डोनेट। वायनाड भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 लाख रुपए उनकी पत्नी टीके कमला ने सीएमआरए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 33,000 रुपए डोनेट किए ही। ये जानकारी सीएम कार्यालय की ओर से दी गई। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिले मनसे प्रमुख राज ठाकरे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास परसा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। नेम प्लेट मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा। होटल और रेस्टोरेंट नेम प्लेट मामले पर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत ये आदेश लागू किया गया। याचिकाओं में उठाए गए सवाल निराधार है जिनके पीछे कोई सटीक आधार नहीं है। कहा गया है कि दुकान मालिकों के नाम और पहचान बताने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर है।